दोस्तों महेश्वर रसोई में बनाएंगे आज एक ऐसी रेसिपी जो ना पूड़ी है, ना कचौड़ी, ना पकौड़ी, ना समोसे, ना कटलेट, ना पराठे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, जिसके लिए ना तो आपको गेहूं के आटे की ज़रूरत है, ना मैदा की ज़रूरत है, ना एक भी बूंद तेल लगेगा, और रेसिपी बनेगी बहुत ही मज़ेदार। बच्चों की भी फेवरेट रहेगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे सूजी के साथ, क्योंकि सूजी टेस्टी होती है, हेल्दी होती है। तो ये मैंने एक बाउल भरकर सूजी ले लिया और उसमें गया हाफ टी स्पून जितना नमक, उसके साथ ही हाफ टी स्पून जितनी अजवाइन डाल देंगे। टेस्ट भी बढ़ जाएगा, पेट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। सिर्फ एक टीस्पून आपको देसी घी डालना है, ऑयल का यूज़ आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस थोड़ा सा देसी घी लें, अच्छे से मिक्स कर दें, और आप चाहें तो बिना घी के भी बना सकते हैं। साथ ही थोड़े से करी पत्ते और एकदम बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, और उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी डालकर आप इसका एक डो लगा कर तैयार कर लें। डो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा गीला गीला रहे, क्योंकि फ्रेंड सूजी है, फूलने में समय लेगी। और ये देखिए डो लगभग लगकर तैयार सा हुआ, और उसमें मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून जितना बेसन। बेसन आपको बस 2 टेबलस्पून डालना है, आप चाहें तो इसकी जगह मैदा डाल सकते हैं, नॉर्मल गेहूं का आटा डाल सकते हैं, लेकिन बेसन डालेंगे तो और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। और उसके बाद कवर करा 15 से 20 मिनट के लिए साइड से किया, और उसके बाद फिर से गैस ऑन करी। उसमें गया थोड़ा सा देसी घी, घी बस आपको इतना चाहिए कि जो आपने कढ़ाई रखी है ना, उसका बॉटम अच्छे से ग्रीस हो जाए। आपको जीरा, अजवाइन, राई कुछ भी नहीं डालना है, बस उसमें डाल दीजिए 1 बड़े साइज का प्याज एकदम छोटा छोटा काट के। और आपको इसके लिए प्याज को भूनना नहीं है, बहुत ही फटाफट वाली रेसिपी है। और जैसे ही प्याज हल्का सा गर्म हो, उसके अंदर हम डालेंगे गाजर। 1 बड़े साइज का गाजर था जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप कई हफ्ते भी रख कर खा सकते हैं, किस तरीके से वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च, और इसके अंदर आपको जो भी सब्जियां पसंद हो, और आप कच्ची खा सकते हो, जैसे आप इसमें मटर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और स्टफिंग आप देख सकते हैं काफ़ी खिली खिली सी तैयार हुई है। तो बाइंडिंग देने के लिए मैंने लिया है 1 बड़े साइज का कच्चा आलू जिसे ग्रेट कर लिया है। तो इसके लिए तो आपको आलू उबालने की ज़रूरत नहीं है, ना ठंडा करना ना छीलना, बस आलू लीजिए और कद्दूकस कर लीजिए। फ्रेंड नोटिस किया हो तो अभी हमने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़े से मसाले। उससे पहले गया खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो मसालों में आपको डालना है बस 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, बस सिर्फ इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। और फ्रेंड्स इसका टेस्ट आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप मुझे लौट कर ज़रूर बताएंगे कि वास्तव में बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हुए। इसके बाद इसके लिए एक और हम मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है पिज्जा पास्ता सॉस। आप नॉर्मल जो टमाटो केचप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिली सॉस हो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और ये गया 1/2 टीस्पून जितना नमक, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर, और बटर को हल्का सा मेल्ट कर लिया है जिससे हमें यह सॉस बनाने में आसानी हो जाएगी। और ये देखिए एक अमेजिंग सॉस तैयार है। तो अब एक और इसकी थोड़ी सी तैयारी करेंगे, तो उसके लिए मैंने ली थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1 लहसुन जिसे अच्छे से साफ कर लिया, 1/2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, और ये गया हरा धनिया, और उसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून जितना जीरा, और उसके साथ ही 1 टीस्पून जितनी अमचूर पाउडर, आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं, और 1/2 कप जितना पानी डालकर हम इन सब चीज़ों को एक साथ बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी चटनी तैयार हो गई है, जो इसके साथ खाने में अमेजिंग लगने वाली है। तो चटनी भी करी साइड से, और इसी बीच जो सूजी रखी थी ना, वो एकदम बढ़िया से फूल चुकी है, काफ़ी अच्छे से उसने रेस्ट कर लिया। और आप देख सकते हैं जो सूजी थी देखने में बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे नॉर्मल हम आटे का डो लगाते हैं या मैदा का डो लगाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसे अच्छे से स्ट्रेच करना होगा। 1 से 1.5 मिनट आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर इसे अच्छे से स्ट्रेच कर लें, और उसके बाद आप देखेंगे एकदम लाजवाब आपका डो लगकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ सा डो लगेगा।
तो लीजिए डो भी लगकर तैयार हो गया है। अब बारी है इसके इक्वल पार्ट्स करने की, तो मैं इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो ये लीजिए 6 इसके मैंने पार्ट कर लिए हैं। अब एक एक पीस लेते जाएंगे, इस तरीके से राउंड कर लेंगे। इसके लिए आपको जो डो लगाना है ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम पराठों के लिए डो लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको डो की ज़रूरत होगी। और ये मैंने एक काफ़ी बड़ी सी और पतली सी रोटी बेलकर तैयार करी है। एक और बना लेते हैं, 2 बन गई। और ये लीजिए एक और तीसरी भी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बड़ी भी काफ़ी है और पतली भी है। तो हमने ये जो भी सॉस बनाया था ना, आप हाथ से इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर दें। आप ये काम चम्मच से या ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। खूब सारी स्टफिंग ली, अच्छे से लगा दी, और उसके बाद जो रोटी रखी थी, एक रोटी इसके ऊपर सेट कर दी। और उसके बाद फिर से थोड़ी सी हम ये जो हमने मसाला बनाया था ये लगा देंगे। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। फिर से स्टफिंग लगाई और बिल्कुल अच्छे से हम इसे दबा दबा कर चारों तरफ से सिक्योर कर देंगे। फ्रेंड्स, इसे सेकने का तरीका बहुत ही नया है, एकदम अलग तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो एक मैंने नॉर्मल चलनी ले ली है, जिसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और इसे काउंटर टॉप पर से उठाकर हम इस तरीके से इस चलनी पर प्लेस कर देते हैं। और इसी बीच मैंने करीब 1/2 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है, और पानी में भी एक बढ़िया सा उबाल आ चुका है, अच्छी सी भाप बन रही है। तो अब हम ये जो चलनी हमने तैयार करी है इसे इस पर सेट कर देंगे। फ्रंट इसमें ऑयल का जो हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा देसी घी लगाया है। और उसके बाद इसे कवर कर देंगे करीब 8 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है ना, आप इस तरीके से ये रोटी अच्छे से भाप में पकाकर रख सकते हैं, और मॉर्निंग में आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। तो ये लीजिए 8 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से हमारी ये जो नाश्ता था तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया और इसको इस तरीके से उल्टा लेंगे, और ये देखिए आराम से ये निकल गया है। इस समय भी फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मोमोज़ पसंद है ना, तो इसमें बिल्कुल मोमोज़ वाला आपको टेस्ट मिलने वाला है, लेकिन मोमोज़ की अपेक्षा काफ़ी हेल्दी हैं, क्योंकि इसे सूजी से बनाया है। और इसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और आप स्टफिंग देख सकते हैं, टेस्टी भी है और बहुत सारी स्टफिंग होने के कारण बहुत ही मज़ेदार भी है। तो चलिए थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ा देते हैं। तो हम इसे कर लेंगे हल्का सा सैलो फ्राइज। तो थोड़ा सा घी ले लिया, और इस तरीके से हम चारों टुकड़ों को इस पर अच्छे से प्लेस कर देंगे, और उलट पलट कर इसे बढ़िया सा, जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, जब तक हम सेक कर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इसे सेकने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट होकर तैयार हो जाता है, क्योंकि सूजी है, जल्दी से सिक जाएगी। और ऑलरेडी हमने इसे भाप में काफ़ी अच्छे से पका लिया। तो ये देखा ना फ्रेंड्स, ना तो ये पकौड़ी है, ना कचौड़ी है, ना समोसे, ना पकौड़ी, ना कटलेट, और ना ये नॉर्मल पराठे हैं। बहुत ही अमेजिंग है, जिसे आप सर्व कीजिए इस वाली हरे धनिये की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि बनाना तो आपने देखा बहुत ही आसान है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ आपके पास है आप उससे बना सकते हैं। टेस्टी है, हेल्दी है, इसे चाहें तो आप टिफ़िन में रखें, ब्रेकफास्ट में बनाएं, हर तरीके से बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रहेगी। तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें।